सुनीति ने अपने महाराज उत्तन पाद को देखा, बड़ी प्रसन्न हुई है मैया। और महाराज प्रसन्न होकर के आज उसी समय मैया ने दरवाजा खोल दिया और दरवाजा खोल करके अपने महाराज का हाथ पकड़ करके झोपड़ी के अंदर ले गई। जब सुनीति महाराज झोपड़ी के अंदर ले गई है अपने महाराज उत्तन पाद को, तो ले जाने के बाद में महाराज टूटे खटोला पे अपने बलम को बैठा लो। जैसे ही महाराज राजा को बैठा लाए टूटे खटोला पे, तो उत्तन पाद कहने लगे, रानी बहुत तेज भूख लगी है, कछु खाए को हो तो दे दो। सो महाराज सुनीति ने क्या किया कि जौ की रोटी पड़ी थी, जौ की रोटी उस पर नमक रख दिया और नमक रख करके आज महाराज अपने महाराज को खिला दिया। जैसे ही वो रोटी जौ की अपने महाराज उत्तन पाद को खिलाई और जैसे ही उत्तन पाद ने अपनी रानी की यह दशा देखी, महाराज आंखों में आंसू आ गए उत्तन पाद के और जवाब दिया है उत्तन पाद ने, कहो रानी मैंने तुमसे मना किया था कि दूसरा विवाह मेरा मत करवा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और जब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो आज देखो तुम्हारी दशा क्या हो गई। जो इतने वचन कही कि दशा क्या हो गई, तो सुनीति कहने लगी, महाराज आप अफसोस न करो। क्यों? क्योंकि मेरे नसीब में जो था वो मेरे साथ में हो रहा है और नसीब का लिखा कोई बिगाड़ नहीं सकता। मेरे नसीब में यही लिखा था, यही दुख लिखे थे, तो भगवान हमें दे रहा है, लेकिन आप अफसोस न करो। इस प्रकार से परीक्षित महाराज सुनीति जो थी बहुत देर तक उत्तन पाद से बातें करती रही करती रही। महाराज अपने महाराज के पैर दबाती रही। दबाने के बाद में आज उत्तन पाद जो थे वो आज उन्होंने रात्रि व्यतीत की है सुनीति के साथ, सुनीति की झोपड़ी में। जैसे ही सुनीति की झोपड़ी में रात्रि को व्यतीत किया है उत्तन पाद ने, तो परीक्षित महाराज उसी रात मैया सुनीति ने गर्भ धारण किया। जब उसी रात्रि में मैया सुनीति ने गर्भ धारण किया, इधर जब सवेरा हुआ तो सवेरा होते ही राजा उत्तन पाद ने घोड़ा सजाया, घोड़ा पर सवार हुए, सवार होकर के अवध में आए। जैसे ही उत्तन पाद अवध में आए, परीक्षित महाराज द्वार पर खड़ी सुरुचि और आंखें लाल पीली करें, उत्तन पाद समझ गए कि आज बात कछु गड़बड़ है। हमें लग गई कि इन्हें पता चलियो कि हम रात में सोत के डेगा गए थे। अब सुनी सुरुचि द्वार पे खड़ी, महाराज कहने लगी, जब बताओ रात भर कौन रहे, और हमें पूरा भरोसा है कि तुम रात भर मेरी सोत के पास में रहे। अब जो इतने वचन कहे उत्तन पाद कहने लगे, रानी तुम्हें कछु गलत फहमी हो गई। क्यों? क्योंकि रात भर तो हम द्वार पे डरे रहे, अरे रात में सुकुड़ सुकुड़ के ठंड की वजह से बात ही बन गई। पूरी रात दरवाजा खटखटाओ लेकिन काऊ ने दरवाजा नहीं खोलो। अब महाराज मीठी मीठी जो बातें करी और जो सुरुचि की दो चार प्रशंसा करी, सोई महाराज सुरुचि को गुस्सा शांत हो गया। और एक बात बताएं भाइयों के लिए ट्रक बहुत बढ़िया है कि अगर घर में आपकी पत्नी रूठ जाए तो महाराज इनकी दर्शन बड़ा ही कर देवो तो जे हाल मन जाती, क्योंकि स्त्री जो होती है महाराज प्रशंसा की बड़ी भूखी होती है। अगर इनके सामने इनकी प्रशंसा कर दे तो महाराज कितनी गुस्सा में हो भी तो महाराज इनको तो गुस्सा शांत हो जाइए। बोली गोविंद भगवान की। आइए सभी लोग ताली बजा करके प्रभु राम का संकीर्तन बोलेंगे बड़े भाव से, और उसके बाद में आगे की कथा श्रवण करेंगे।